हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि टैब्स मेन्यू, देखिए यहाँ पे टैब्स मेन्यू है। तो आपको ऐसा टैब्स मेन्यू आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में होना बोले तो आपको इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। वो प्लगइन का नाम है टैब्स रिस्पॉन्सिव इंस्टॉल प्लगइन्स। देखिए यहाँ पे एक प्लगइन रहेगा टैब्स रिस्पॉन्सिव, ये प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आप टैब्स ऐड कर सकते हैं, आपका व्यू कर सकते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ये टैब बनाया था, टैब मेन्यू। सो ऐसा टैब आपको बनाना है तो सेटिंग्स में जाके मैंने बोला था ना, ऑल टैब्स आप व्यू कर सकता है, देख सकता है, एडिट कर सकता है। मैं आपको एक एडिट करके बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए मैं कुछ टाइटल नहीं दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पे कुछ एक बेस्ट पार्ट क्या है बोले तो यहाँ पे आप इस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है आपका डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में आप HTML कंटेंट, अब बोले तो आपका कस्टम HTML, कस्टम इमेज कुछ भी आप इसमें दिखा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। आपके रिक्वायरमेंट के साथ आप इसमें कंटेंट दिख सकते हैं। सो एलिमेंट्री स्कूल, मॉडल्स, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, ये पूरा यहाँ पे है। देखो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च। आपको इंडिविजुअली इसको फ़ोटो यहाँ पे दिया था मैंने, आप फ़ोटो भी दे सकते हैं यहाँ पे इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़। सो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, टैब्स कलर, फॉन्ट कलर, राइट। सो ऐसा आप करके इसको सेव करना नहीं भूलिए। सेव करने के बाद आपको ऐसा एक कोड आता, एक कोड कॉपी कर एक अब ये पूरा आप जो कंटेंट किया ना, एक कंटेंट का कोड है, ये कॉपी करके आप कौन सा भी HTML एडिटिंग में आपको एक विजुअल एडिटर, टेक्स्ट एडिटर बोल कर रहता है। फॉर एग्जांपल ये पेज देखिए, ऐड न्यू, अब विजुअल एडिटर में ऐसे पेस्ट करके अब प्रीव्यू देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो कस्टमाइज है, तो लेआउट चेंज करना है इसका। फॉर एग्जांपल लाइक दिस प्रीव्यू, ये पूरा पस गया जैसा दिख रहा नहीं ना, यू कैन सी इट लाइक अच्छा रह सकता है। सो उसको अभी ये कोड को आप ऐसा विजुअल एडिटर में पेस्ट करके पब्लिश करना, तो आपको ऐसा इसका लेआउट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने का, प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपको हमारा वीडियो पसंद हो गया तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।